भारी लैंडस्लाइड से बंद हुए रेणुकाजी संगड़ा हरिपुर धार मार्ग पर एक बार फिर वाहन दौड़ने लगे हैं। सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी इलाके की दर्जनों पंचायतों को जोड़ने वाली रेणुकाजी संगड़ा हरिपुर धार मार्ग पर तकरीबन 15 घंटे बाद आवाजाही बहाल हो पाई। आज सुबह से ही सड़क पर वाहन दौड़ना शुरू हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने 2 JCB मशीनों की मदद से इस सड़क को बहाल किया है। अभी भी भूस्खलन के खतरे को देखते हुए विभाग ने सड़क पर 1 JCB मशीन तैनात की है ताकि मार्ग बंद होने पर इसे जल्द खोला जा सके। बता दें कि गत रोज ददाहू से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी दरकने के कारण सारा मलबा सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस दौरान सड़क पर गिर रहे पत्थरों की वजह से वाहन चालक पहले ही खतरा भांप गए थे, लिहाजा सड़क के दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया। देखते ही देखते चंद ही मिनटों बाद पहाड़ी अचानक खिसकी और टनों के हिसाब से मलबा सड़क व गिरी नदी में जा गिरा। भूस्खलन का क्रम थमने के बाद विभाग ने JCB मशीनों से इस सड़क को बहाल कर दिया है। लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता रतन शर्मा ने बताया कि ददाहू संगड़ा सड़क को देर रात 11:30 बजे बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि देर रात से ही वाहनों की आवाजाही जारी है। मौसम से और हिमाचल से जुड़ी जानकारियों के लिए EWN24 के साथ बने रहिए।